टीम आज का यहाँ जा रहे हैं के आर सी है मुकेश कनन के साथ ही शुरुआत पाती है भले रायन विजुअल्स बंद हो जाए in a very very quick manner well Mukesh Kannan makes it easy for us and he makes it easy for himself with those raids this time he makes it easy for the defenders a very good dash coming through and Mukesh has to go back बहुत कम ये ध्वनि हमारे कानों में गूंजती है कि केआर स्पोर्ट्स की टीम को पॉइंट मिला वो भी उनके डिफेंस को पॉइंट मिला दोबारा देखना पड़ेगा कॉर्नर की पोजीशन से वो इनिशिएशन आया था बाला मुर्गा पोजीशन से भी दिया तो आवाज एक बार आई है वो डू और डाई की है कॉम्बिनेशन टैकल और इस बार तो गंगानाथ को भनक लगने से पहले ही डिफेंस में धाराशाही किया ये कॉम्बिनेशन टैकल में शिकार है क्या इनिशिएशन श्रीराम का था बिल्कुल था There we go. It's good to see this team. खेल पाएंगे हालांकि बाहर निकले यदि स्टेडियम से तो सूर्य अपने प्रकोप पे है वो सिर्फ प्रकाश नहीं दे रहा है उनका खौफ अभी हमें नजर आ रहा है नौतपा पूरे देश में जारी है लगातार वो हीट वेव्स जो हमें नजर आ रही है लेकिन उस तपती गर्मी के बीच में सैमी एकेडमी एक टफ कॉल देने को तैयार है सूर्य प्रकाश ने किया and he has a very good strike rate 80% that's among the high range when you look at the raiders and their strike rates and Keshwan Raja will look to keep that strike rate up As he attempts a point, he seems to have gotten one. Yes, he has. तो डाल डाल में पात पात एक एक करके पत्ते बिखेरने की कोशिश की जा रही है पिछली बार भी हमने देखा था रनिंग एंड टच फुल बॉडी को स्ट्रेच किया एक आसान सा रनिंग एंड टच मारते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट लिया नाउ पुट इन अ बिट ऑफ अ स्पॉट बट आई एम श्योर गिवन देयर रिकॉर्ड गिवन देयर कैलिबर दे विल कम थ्रू बट विल मुथ थ्रू दिस नो ही वोंट एंड दैट 5.7 रेट्स पर मैच विल बी पुट ऑन होल्ड गुड पीस ऑफ डिफेंडिंग फ्रॉम केआर स्पोर्ट्स वंस अगेन कमाल का डिफेंस चल रहा है केआर स्पोर्ट्स का कुछ समय पहले हमने देखा था कि डैश करके दिखा गया तो इस अगली रेड पे तुरंत जब रेडर रेड लगाने के लिए आए फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश पहले थाई पकड़ी गई तो दूसरी तरफ से दैट इज ट्रू द वेट टू मेक अ गेम टू देयर क्लचेस दैट इज टू विन द गेम कंटिन्यूस फॉर केआर स्पोर्ट्स दे विल हैव टू पुट आउट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड दिस सीम्स टू बी अ ग्लिम्स ऑफ इट केशवन राजा गेट्स टैकल्ड आउट वंस अगेन एंड KR Sports doing well on that defensive end. Defense तो अच्छा खेल दिखा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है आवाज आई है रेडर आउट क्या कुछ चर्चाएं की जाएगी शक्ति वेल का ये जो सपोर्ट था वो जबरदस्त था समय रहते उन्होंने वो चेन को तोड़ दिया आगे से ब्लॉक लगाने के लिए आया क्योंकि इनिशिएशन भी उनका सेम वे दे हैव बट दे वर स्मार्ट बिकॉज़ इट्स मुकेश कन्नन एंड आई थिंक मुकेश हैज गॉटन 50 पॉइंट्स इन दिस ईयर्स वेलमल YKS विद दैट बोनस पॉइंट डबल थाई होल्ड और कॉम्बिनेशन फील टैकल दिखाते हुए जबरदस्त डाइविंग एंकल होल्ड करने के बनिस्पत इस बार डबल थाइस पे जाना प्रेफर किया और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है क्योंकि जब भी आप डाइव मार रहे हैं आपको पहचानना है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां आप अटैक कर सकते हैं पूरी तरीके सिर्फ पांच What a way to bring up 50 points in front of his academy star, of course, Sanjeevi. Who's been part of the YKS history in the past? Oh, look at this, Mukesh Kannan will get tackled out in front of Sanjeevi, but he's done well so far. But it's KR Sports who've done better in this raid. All right, who was out of bound? Mani Manan, he got out of bound. Well, the initiation was perfect. Ankle hold initiate किए हैं. हालांकि पहली सफलता क्योंकि initiation जब आप करते हैं तभी वो पॉइंट आपके नाम जाता है लेकिन दूसरी तरफ सैबी है वो ये है कि इवन इफ दे लूज द गेम फिर भी एक पॉइंट तो अपने नाम करेंगे इस मुकाबले से और ये एंकल पकड़ ली गई किसने कहा कि सामी एकेडमी ये मुकाबला हार रही है मैं चाह जरूर रहा था कि केआर स्पोर्ट जीते क्योंकि अंडरडॉग की तरह खेल रहे थे मगर सामी एकेडमी हारने को तैयार नहीं है रायन आई एम आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ आयुष एंड दिस गंगानाथ देयर He's also being tested. He tries that running hand touch because they have the lead. And what we will all be looking at is how they play when they have a lead against a team like this. Do they get too excited, commit errors? We've seen teams do that. से कहा गया है कि एक पॉइंट के लिए खेलिए हर एक पॉइंट को सीरियस लेकर और हर एक पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिएगा एक एक पॉइंट से खेलना है और ज्यादातर अब तक तो यही करते हुए नजर आए पहले तो ये कोशिश कीजिए कि ये जो दो अंकों का फासला है उसे कवर अप किया जाए इस बार जीत हुई है इस बार कवर्स की दिशा से आए डैश करने वाले मणि मनन की जीत हुई है और आखिरकार इस मुकाबले में पहला सक्सेसफुल टैकल उन्होंने किया है इससे पहले तीन अनसक्सेसफुल टैकल थे जनाब के That shows that time they don't want to go in for the next one, but he was confident, and now Ganganath looks at a good opportunity.
KR Sports will want to inflict that all out and get the advantage over Sammy Academy early on in the first half. Ranganath, 96 points. He will also be hoping to hit a good feature, a good milestone. 100. Can he get through this? Oh, this is spectacular defending. Ranganath is fighting his way through. Can he get away from that last few seconds of the raid? And there we go. Super way to fight back. And there we go. The final whistle comes through. A couple of points. A big super raid for Sammy Academy. Hooties, goodies, super tackle. इससे जबरदस्त डिफेंस आपको देखने को कहां मिलेगा. पहले कॉर्नर के खिलाड़ी ने अपने आप को नीचे रखने की कोशिश की. दूसरी तरफ जब दूसरे कॉर्नर की तरफ रेडर गए, जंप भी कमाल का लगाया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर्स की. नीचे गिरने के बाद भी उन्होंने अपने बॉडी के बैलेंस को खोया नहीं, पूरी ताकत दिखाते हुए नजर आया. आखिरकार इज माई ट्रेप, कमाल मोमेंट हमें देखने को मिला, वो धमाल मोमेंट. चैलेंज एक्सेप्टेड. कई बार हमें ये देखने को मिलता है आजकल सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया से याद आया इंस्टाग्राम पेज पे भी जाइएगा भाई के, इसके वहां पे भी आपको कई सारी नई चीजें देखने को मिलेगी. लेकिन क्या ये डिफेंस की जीत है या रेडर को मिलेगा पॉइंट? केआर स्पोर्ट्स को दिया गया है पॉइंट, डिफेंस को एक और पॉइंट मिलेगा. 13-13 से मुकाबले की बराबरी थी. कोशिश जरूर कर रही है सामी अकेडमी की कुछ अच्छा करे, लेकिन ये फ्रंटल ब्लॉक सही समय पे आया. डिफेंडर तो पूरे घूम ही गए थे पंखे की तरह. टीम को बुला लिया है, चलिए एक अच्छा सब्सटीट्यूशन कह लीजिए, मगर फिर भी दिक्कतों में सामी एकेडमी है. यदि केआर स्पोर्ट्स ने ऑल आउट इंफ्लिक्ट किया, संदीप पहले एक चीज इंश्योर कर लेंगे, वो है कि बोनस, क्योंकि बोनस बड़ी आसानी से दे दिया जाएगा फिर उठाया. और इस डिफेंस के हाउस पैक घर में आपको बोनस निकालने का मौका रहता है. बोनस याद रखिए, पॉइंट में स्कोर डिफरेंस तो बढ़ाता है, लेकिन रिवाइवल यदि आपको जब भी चाहिए, फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं, ऑल आउट होकर आए हैं. ये लीजिए एक खिलाड़ी, जोश दिखाया रेडर ने सैमी एकेडमी की तरफ से, और एक अच्छी सोच भी है, क्योंकि जब आप रेड लगाने के लिए जा रहे हैं, अगली रेड नहीं तो भी केआर स्पोर्ट्स की आनी थी. लेकिन मुकेश कनन सेकंड हाफ की शुरुआत में हमें नजर नहीं आएंगे, उठा के बाहर फेंक दिया गया है उन्हें. मुकेश कनन जो अपनी टीम के लिए शुरुआती रेड्स लगाते हैं, आज थोड़े से नकारे साबित हुए. इतना अच्छा कि although if we look just one do or die raid is coming through for them as the Velavan Murugananthan comes for Sami Academy, running and touch attempted unnecessary. And looks like Sami Academy will also want to do that. We see teams often doing this in order to lead to that. Oh, the defenders come in with that. And the dashes come through. कि anti-cross का जो नियम है लागू होता और Raiders safe करार दिया जाता है, क्योंकि बहुत पास थे शक्तिवेल. कमाल के खिलाड़ी है. आज के मुकाबले में कुल मिला के 3 पॉइंट निकाल चुके डू और डाई की परिस्थिति है. गंगानाथ रेड पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, डिफेंस ने फिर उठा के बाहर पटक दिया. How we like to see moments like this. And the officials just waiting on the confirmation to let us know. 1 point each. Also defender, oh my word, the number of times this is happening in this edition. Oh, take a look at this once again. Yeah, they got the raider out. And in the course of that, I think the defender had his feet up for a second. Close mamla tha, fraction of seconds mein pehchan liya gaya. किस डिफेंडर ने बाहर की तरफ पांव रखा है, बॉडी का संपर्क टूटा है या फ्रंटल ब्लॉक है. ये सिर्फ और सिर्फ जहनी लड़ाई थी, ये ताकत की लड़ाई थी जिसमें मुकेश कनन को मात मिली है. केआर स्पोर्ट्स के घर में गए थे, फ्रंटल ब्लॉक मुकेश के सामने आया, और आज का दिन एक ऐसा दिन है जो मुकेश के लिए बिल्कुल नहीं जा रहा है. पहले टो टच था, संपर्क हो गया, लेकिन तब तक कॉर्नर की पोजिशन, फ्रंटल ब्लॉक, वो कर लिया रायन. Love this game. I love the approach from Manova Nicholson. The question is, where was the line? नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो घुटना था, वो जो नी थी, वो lobby में landed थी. Definitely get through with the coach after this game, and in the presentation we might know. And here again, will the all out come through with this? Keshavan Raja gets tackled out, and KR Sports will get 3 points out of this. And they do aim to get a lot of points out of this because the booster points is also applicable if they win this game. बिल्कुल, वो दो अंकों का लालच इनके जहन में चल रहा होगा. इस बार फिर रेडर बहुत स्कूल डेज, आई एम नॉट टू श्योर कि कितने टाइम पुरानी बात है. मुझे तो स्कूल गए दशकों हो गए, मगर क्या आपके साथ कभी ऐसा होता था कि आप रीचेक कराने के लिए जाते थे, या टीचर ने मार्क्स थोड़े से कम ऐड किए हो और टीचर ने आपको कहा है कि अगर तुझे एक मार्क बढ़वाना है, मतलब वो जो इवेल्युएशन है उसमें गलती हुई है तो ठीक, अगर नहीं तो मैं -2 कर लूंगा. Yes, very well. It has happened once is when I've had both or more than one mark that was deducted.
it's happened definitely. Now that you remind me of it, I'm going to. सा नहीं थे तो हो सकता है कि अपनी टीम में कुछ योगदान करने के लिए कुछ अतिरिक्त कर बैठे. यदि आज के इस मुकाबले के आंकड़ों में तुलनाएं की जाए तो सिर्फ 5 पॉइंट निकाले हैं जामिया एकेडमी के डिफेंडर ने. तो दूसरी तरफ ऐसे सैलाब आया. ये 14वां पॉइंट है केआर स्पोर्ट्स के डिफेंस का. यकीन मानिए आज डिफेंस आला दर्जे का खेल दिखा रहा है. कोई भी रेडर इनके आसपास नहीं आ पा रहा है. मुकेश कनन का सफाया ना जाने कितनी भी बार. He has to and does help us understand kabaddi a lot more when these officials are verbally letting us know as to how they are going about the decision. And it's good to see Sami Academy for a change doing well on that raiding front and a couple of points. I think this is their first multi-pointer raid after quite some time. Ayush, bilkul sahi aapne kaha. In fact, is pure mukable mein hame ball mark. And he will be happy because today for the first time, if his team holds on to this lead, they will taste victory. And would want that more than anything. He would want that more than anything. Velavan wanted the point more than anything. And he's gotten it. Milega. Defense mein jis khiladi ko shikar banaya hai, ye wahi hai. Mano Venny Kalsan, jiske kai sare nickname Ryan dhoondne ki koshish kar rahe hain. Velavan Murugan Anthem comes for his team. Sami Academy now down by 12. They need to start acting if they want to come back. Did the dash come through? No. The dash was not powerful enough. And Sami Academy slowly. Oh, this is 3 points in this. A super raid for Sami. And what a game-changing moment perhaps, Ayush. जबरदस्त रन अपने लिए निकाला है. लॉबी का इस्तेमाल करते हुए ताकत से लड़ते हुए फिरते हुए ये मल्टी पॉइंटर रेड. ये वेलेमल वन ऑल आउट ऑन केआर स्पोर्ट्स. इट वुड बी गेम ऑन वेरी मच एज वेलेमल इज कमिंग फॉर दिस रेड एंड लास्ट 10 सेकंड्स फॉर हिम. ही इज अटैकिंग कांस्टेंटली. ओह ही इज गॉट इट थ्रू अगेन. वेलेमल मुरुगन डज इट वेल. कपल ऑफ पॉइंट्स मोर. कैसे कर लेते हैं रायन आप? आपको कैसे पता चला कि ये मल्टी पॉइंटर रेड आने वाली है? दो शिकार किए गए हैं. एक तरफ वाला मुर्गन को बाहर जाना पड़ेगा और उनसे पहले कार्ती जिन्होंने आज के इस मुकाबले में पॉइंट निकाले हैं जिनकी संख्या पूरी 5 है. हाइप की पूरी चली जाती है, पूरी बीत जाती है और केआर स्पोर्ट्स एक बार फिर ऑल आउट के करीब. मैच फॉर देम. इट कुड स्लिप अवे फ्रॉम देयर क्लचेस एंड कैन ही गेट हिज वे बैक? नो ही कांट एंड द ऑल आउट हैज बीन इंफ्लिक्टेड. Sami Academy have come back into this game and we have 5 minutes of kabaddi left to play. Ayush, और इसे एक और चीज पता चलती है. ओ इंजरी कंसर्न. जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता हमें यहाँ पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी. देखना ये डबल नीज के ऊपर गए थे और बॉडी जो है पूरी ऑफ बैलेंस हुई रेडर के ऊपर. बाकी डिफेंडर्स का वेट भी आया. दिक्कत. एंड यू वांट टू अवॉइड दैट बीइंग अ टॉल प्लेयर एंड यू वांट टू अवॉइड द रेपरकशंस ऑफ नॉट ट्रीटिंग इट प्रॉपर्ली. आई एम श्योर अ टीम ऑफ जेएसएस अलोंग विद द हूप रिलीफ स्प्रे विल कम बट a lot more than hoop relief spray will be needed for KR Sports if they lose this game because it's going to be so painful. And right now the pain continues because Sami Academy is getting points time and again. अच्छी रफ्तार में जबाना होगा और शायद इसीलिए कोच ने कहा है कि अब जीत सकते हैं. ये मुकाबला अभी भी अपने पक्ष में जा सकता है. ये लीड जो है वो अभी भी मुझे नजर आ रही है और बाकी 7 खिलाड़ियों को भी नजर आ रही होगी. अगर रायन जेम्स पिछले कुछ 5 मिनट में जो खेल दिखाया सामी एकेडमी ने 22 पॉइंट पे थे. अभी जब मैं वो क्लॉक चेक कर रहा था तो 32 मिनट का जब खेल खेला गया था 22 पॉइंट पे थे, लेकिन अभी 36 मिनट में यानी कि 4 मिनट में ये आ गए थे 33 पॉइंटों पे. 11 पॉइंट 4 मिनट में कमाए इन्होंने और ये दो यहाँ भी आएंगे. होता है कि सेकंड हाफ चल रहा है, दे आर ऑलरेडी लीडिंग विद 2-3 गोल्स और व्हाटएवर नंबर ऑफ गोल्स, देन दे स्टार्ट एक्टिंग एज इफ दे आर इंजर्ड और समथिंग लाइक दैट. बट यू नो एवरीवन इज स्मार्ट इनफ डजंट मीन कि सिर्फ आप ही स्मार्ट है. ये देखिए अब कंधे की इंजरी हो गई. वेल लेट्स जस्ट होप द हूप पेन रिलीफ स्प्रे. नाउ लेट्स से दे गो ऑन टू विन दिस गेम. और अभी तो आए हैं कार्तिकेयन जिन्होंने सीधा अपने साथी खिलाड़ी का हाथ पकड़ रखा है गंगानाथ का. उनके हाथ की इंजरी थोड़ा सा कंसर्न लग रही है, हालांकि चेहरे ने कुछ और कहानी बयां करी थी. ओह गंगानाथ को चेन तोड़ने पे मजबूर किया गया रेडर के द्वारा. वेलवन शुरुआती 7 का हिस्सा थे नहीं, इस बार डबल था इसके ऊपर जाके इनिशिएशन दिखाया गया और Sami Academy ने कमाल का डिफेंस किया है रायन.
Oh yes, an Ooty's goodies super tackle, and it's coming at a big moment here because the game was tied, and this is where they had to get the point. That first one, that hold on the thighs was so good. चारिक तौर पे आनी है, इसमें कोई दौरा नहीं है, और रेड लगाने के लिए दया स्पोर्ट्स. Oh, it's a do or die raid, Ayush. Oh, गुच्छे में शिकार, रेडर बाहर. सामी एकेडमी की है, कम से कम एक टाई का स्कोर. रायन was inflicted by the 35 tackles.